अस्सलामुअलैकुम। एवन टीवी के साथ मैं हूं समन नसीर। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइन। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का रिटायर्ड फौजी अफसरान के एजाज में इस्तकबालिया। मुल्की तरक्की के लिए रिटायर्ड अफसरान के खिदमात को हराज तहसीन पेश किया। अवाम और मुसलह अफवाज के तालुकात कमजोर करने के लिए दुश्मन प्रोपेगंडा कर रहा है। अवाम और एक्स सर्विस मैन ऐसी तमाम कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। 9 मई के तमाम हदफ फैज हमीद ने दिए थे। बतौर कोर कमांडर पिशावर फैज हमीद बानी को तहफ्फुज फराहम कर रहे थे। बानी पीटीआई का मुकदमा फौजी अदालत में जाना चाहिए। जनरल बाजवा ने आते ही सियासी कारोबार शुरू कर दिया था। 2018 में नवाज शरीफ और मरियम को बाहर जाने का कहा गया। मियां नवाज शरीफ ने डील से इनकार किया। बच्चों की मौज मस्तियां खत्म, अब होगी सिर्फ पढ़ाई। छुट्टियों के बाद पंजाब और सिंध में स्कूल खुल गए। पंजाब में सरकारी स्कूलों में हफ्ता इतवार छुट्टी होगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, मौसम खुशगवार। जेहलम में वक्फे से बारिश, नशीबी इलाके जेरे आब आ गए। आज से 17 अगस्त तक पंजाब और केपीके में बारिशों की पेशगोई। और गवर्नर हाउस कराची में जश्न आजादी की रंगारंग तकरीब। मेहमान हसूसी ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का शानदार इस्तकबाल। गवर्नर कामरान टिसूरी ने अरशद नदीम को शेर पाकिस्तान का लकब दे दिया। फखरे पाकिस्तान के लिए 20 लाख रुपए इनाम। गुलकार आतिफ असलम की शानदार परफॉर्मेंस, लोग झूमते रहे। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ए1 टीवी। ए1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।